एक्सप्रेशन क्राइस्ट इन अस, तो वो इस प्रकार का वहां पर प्रकट करते हैं इस बात को कि यीशु तुम में है, टू शो अस द पावर ऑफ मॉरल विक्ट्री एम्बेडेड इन अ क्रिश्चियन। वो ये दिखाने के लिए कि नैतिक विजय किस प्रकार से हम हासिल करते हैं सच्चाई के द्वारा, यीशु के द्वारा, उसको जाहिर करने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। Let us be honest about this. और हम इसके प्रति ईमानदारी से इसका आकलन करें, बिफोर यू बिकेम ए क्रिश्चियन एंड आफ्टर यू बिकेम ए क्रिश्चियन, उस समय का आकलन करें कि जब आप मसीही बन गए उससे पहले का और उसके बाद बात का। Face temptations to sin. तो हमारे पास बहुत सारे प्रलोभन आए, बहुत सारी परीक्षा आती है पाप करने के लिए। Before you became a Christian, you were tempted. मसीह बनने से पहले आप बहुत सारे परीक्षा में पड़ते हैं। After you became a Christian, also you are tempted. मसीही बनने के बाद भी आप बहुत सारी परीक्षाओं में पड़ते हैं। The only difference is, केवल एक अंतर है, if as a Christian you commit a sin, कि अगर मसीही होने के नाते आप एक पाप कर देते हैं, the after effect of sinning as a Christian is much worse. तो पाप के पश्चात जो उसका दंड या परिणाम होता है वो और भी ज्यादा बदतर हो जाता है उस परिस्थिति में। Than before. इससे उस परिस्थिति से जैसा जब हम मसीह नहीं थे, मसीह होने के बाद अगर पाप करते हैं। So it is in, we must know that there are moral struggles for Christians and non-Christians. इसलिए हमें पता होना चाहिए कि मसीही और गैर मसीही दोनों के लिए नैतिक संघर्ष होते हैं। You know, there are moral struggles for all kinds of people. आपको पता है कि नैतिक संघर्ष हर प्रकार के लोगों के लिए होते हैं। But for us Christians, लेकिन हम मसीही लोगों के लिए, there is a conflict. ये एक प्रकार का मतभेद है। But in the conflict, you are not left alone. ले एक अंतर्द्वंद है, लेकिन इस अंतर्द्वंद में हम अकेले नहीं छोड़े गए। In the conflict, God becomes a party to the conflict.